नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ व्लॉग्स। जी हाँ, आप फॉग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, और क्या चल रहा है आपके लाइफ में ये मत कहिए कि फॉग चल रहा है। फॉग सिर्फ महाबलेश्वर पंचगनी में इस वक्त चल रहा है। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2023, और हम निर्वाणा इको रिजॉर्ट का वंडरफुल स्टे करके हम यहाँ से निकले हैं टूवर्ड्स दापोली अरेका फार्म्स, जो रिजॉर्ट हमने बुकिंग की है। सो ये फॉग वाला जो माहौल कल से चल रहा है, और ये हमारे दिलो दिमाग को सीरियसली रिफ्रेश करके रखा है। एंड लेट्स सी आगे हमको दापोली में क्या मिलता है, ऑन द वे क्या मिलता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके रखिए, और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए इनकेस आपने ये देखा नहीं है मेरा पिछला वीडियो, क्योंकि ये उसका कंटिन्यूएशन है। सो लेट्स सी आपको मैं और क्या सदाबहार वीडियोस बना के दिखा सकता हूँ दापोली में या ऑन द वे। तो बने रहिए, बी विथ मी, स्क्रीन को फुल व्यू में करके देखिए इस वीडियो को एंड एन्जॉय। हम लोग महाबलेश्वर पोलार्डपुर रोड पे है, एंड जस्ट इन बिटवीन वी हैड टू स्टॉप बिकॉज ऑफ दिस व्यू। ये देखो, फुल फॉग, दिस वाटरफॉल, एंड कहाँ कहाँ एग्जॉटिक प्लेस है, मतलब ऐसे लग रही थी कोई अर्थ है। ओ, हेवन में आ गए। सो ये रोड्स आर नॉट दैट गुड, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू रीच दापोली, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप दापोली है। एंड थिक फॉग, आई मीन इफ यू सी, ये 100-150 meters भी विजिबिलिटी नहीं है। फाइनली वी हैव रीच्ड एंड लुक एट द वेदर। और पीछे आप मेरे देख रहे हो, रनिंग रिवर, आई मीन इट इज़ रेजिंग रिवर नाउ, लाइटनिंग भी हो रही है। एंड दिस इज़ अरेका फार्म्स, अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ से एंट्री है। आप पार्क माई कार हियर, एंड ये है आपका प्रॉपर्टी, अंदर दिखाते हैं आपके, चलो। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द पार्किंग स्पेस, एंड दिस इज़ द रिसेप्शन। एज रिसेप्शन से आगे दीज आर देयर प्रॉपर्टीज, मतलब रूम्स, ये जो आप दो या तीन देख रहे हो, एंड दिस टू, टोटल 5 maybe 10 rooms। दिस इज द रूम, ये दो रूम है हमारा। बहुत बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। तो ये है एंट्रेंस, दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। दो रूम है, सिमिलर टाइप का ही है, किंग साइज बेड है, दो चेयर दिए हैं, डस्टबिन है, क्लॉथ स्टैंड है, एक छोटा वार्डरोब है, फैन है, एसी है, टीवी है, एंड लेट्स चेक दिस वॉशरूम। ओह, दिस इज ह्यूज। ओके, वॉशरूम इट्स काइंड ऑफ डिफरेंटली मेड। ओके, ठीक है, दिस इज द वॉशरूम वेस्टर्न स्टाइल। दिस इज वॉशरूम, एक्चुअली इट इज बिल्ट आउटसाइड दिस रूम।
सो दोस्तों पंचगनी से हमें दापोली पहुंचते पहुंचते 5 घंटे लग गए और बच गए थे 2, तो लगी थी हमें भूख, तो हमें उन्हें प्री ऑर्डर करके रख दिया था चिकन करी एंड चपाती अलॉन्ग विथ मोदक एज अ स्वीट एंड सोल करी एज अ डाइजेस्टर। तो ये हमने अभी लंच का टाइम हो गया था तो उन्होंने सर्व करके रख दिया था, सो विच वॉज वेरी टेस्टी और मुझे सही में अच्छा लगाया था खाना। आ तो गए थे हम 2:30 बजे यहाँ पे, आपने जैसे देखा हमने लंच तो कर लिया जो हमने ऑलरेडी बता दिया था, बट ये हैवी रेन्स अनएक्सपेक्टेड थंडर शावर्स, जैसे मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन जो अरेबियन सी से कोल्हापुर की तरफ बड़ा छोटा सा, ऐसे हैवी रेन्स इन दापोली। अब बज गए हैं 6, अभी भी हम लोग हैं रूम में, दिस इज़ द फार्म का व्यू, ये सबसे लास्ट में खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से पीछे अरेका नट्स के आपको प्लांटेशन दिखेंगे पीछे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है क्या, देखो अरेका नट्स के प्लांटेशन, इसीलिए इसका नाम अरेका फार्म्स है। सो लेट्स सी, मैं सोच रहा हूँ कि कंफर्ट इन जो होटल है उसमें ईट लोकल एक रेस्टोरेंट है विच इज़ हाईली रेटेड हियर एंड रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, नॉट द पेड वन एक्चुअल वन, तो सोच रहा हूँ वहीं पर जाऊँगा और कुछ लोकल चीज़ें अचस्का ले लूँगा इन द इवनिंग डिनर में। और आज बीच जाने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, सो प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग हम बीच करेंगे, लेट्स सी, आई होप रेन्स ना हो तभी। तो दोस्तों जैसे हमने कहा था हमने डिनर के लिए यहाँ पे आए हैं ईट लोकल जो रेस्टोरेंट है, ये आता है आपके कंफर्ट इन एमराल्ड होटल जो आपका मार्केट एरिया में है दापोली के, एंड इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट 3-स्टार होटल्स इन रायगढ़। और इनका जो एक्वा है, इनका ये बार है और ये है इनका मेन्यू, और इनका मोस्टली इनके मेन्यू में आपको मिल जाएगा यहाँ के लोकल क्विजिन, कोकनी फूड, इसके अलावा आपको यहाँ पे चाइनीज़ भी मिल जाएंगे, बाकी ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल जो चाहे आपको मिल जाएगा, बट इनका फोकस रहा है लोकल फूड विच आई रियली लव्ड। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ का लोकल फिश, बागड़ा फिश का ऑयल फ्राई एंड प्रॉन्स फ्राइड राइस, सो लेट्स सी आने के बाद आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसे रहा। वाओ, सो ये आ गया आपका बांगड़ा फिश, एक प्लेट में आपको 2 बांगड़ा फिशेस मिलते हैं मीडियम साइज के, विच आई थिंक वाज अ ग्रेट डील, इसके ऊपर बैटर कोटिंग लगा के इसको डीप ऑयल फ्राई किया है, एंड आई थिंक इसे देख के ही मेरे को लग रहा है इट शुड बी टेस्टिंग वेरी ग्रेट, एंड इनडीड ये अच्छा टेस्ट रहा है, ये होटल का नाम ही अच्छा रहा है अभी तक फूड में इन दिस एरिया, इसीलिए लास्ट टाइम जब भी आया था मैंने यहीं पे खाना खाया था इवनिंग में, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई प्रिफर्ड दिस रेस्टोरेंट। और ये आया आपका प्रॉन फ्राइड राइस, इसमें प्रॉन देख के ही मुझे लग रहा है कि इट शुड बी टेस्टिंग ग्रेट, एंड इंडीड ये टेस्ट भी अच्छा ही रहा, एंड प्रॉन्स का साइज भी कंपैरेटिवली बिगर रहा विच आई रियली लव, एंड ये मेरे बेटे ने भी अच्छे से खाया, पेट भर के खाया, तो दैट मीन्स ही इज़ वेरी चूजी, एंड अगर उसको ये अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये बेटर रहा है, सो इट्स अ गुड चॉइस एंड गुड ऑप्शन टू कम हियर एंड हैव योर डिनर व्हेन यू आर इन दापोली। सो इवनिंग का डिनर हमारा अर्ली डिनर हमने कर लिया, कुछ 1000 रुपीज़ का बिल आया एज यू कैन सी इन दी वीडियो, ये करके हमारा आज का दिन खत्म होता है, तो वी आर ड्राइविंग बैक नाउ टू अरेका फार्म टू हैव अ साउंड स्लीप, सो मिलते हैं अगले दिन बीच साइड में। So these are the early morning scenes of Areca Farm. आए सुबह के बजे है 7:40 एंड थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ पे पानी का, टैंक में पानी चढ़ नहीं रहा बिकॉज इफ यू सी एक स्टीप है, एंड बताया है आई थिंक आई होप 5-10 मिनट में हो जाए।
अगर आपको बैकग्राउंड में रिवर का आवाज़ आ रहा है, फ्लोइंग रिवर, इनका कहना है कि ये जो रिवर है ओरिजिनेट मतलब ये पहाड़ों से होता है। एंड यस्टरडे इवनिंग में इट वाज वेरी मडी, अभी जाके देखता हूँ कैसा। इसकी आवाज़ पूरे अरेका फार्म तक घुसती है। लुक एट द वाटर, कल ये पानी फुल मडी था, आज एकदम क्लियर हो गया है। थोड़ा और पानी बढ़ जाए तो शायद रिवर राफ्टिंग भी हो जाए। एंड दिस इज अरेका फार्म्स एंड द अप्रोच रोड इज नॉट दैट ग्रेट। यहाँ तो ठीक है, आगे जाके और थोड़ा चौड़ाई कम हो जाती है इसकी, बट एज पर द ओनर नथिंग कैन बी डन एज ऑफ नाउ बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी डिलेड, कर नहीं रही है। एंड द एंट्री रोड टू दीज विलास और होम्स आर लाइक फ्रॉम दी अदर एंड, जैसे दिस इज दी एंट्री, बट दी एंट्री टूअर्स दी फार्म, बट एंट्री टूअर्स दी रूम्स आर ऑन दी अदर एंड। जैसे ऐसा वे दिया है यहाँ से, इफ यू सी डीप जंगल, देयर आर टू रूम्स हियर, दिस इज आवर्स। तो दोस्तों मेरी सुबह तो ऑलमोस्ट 7:15 बजे हो गई थी, हम इंतज़ार कर रहे थे 8:30 बजे जो इनका टाइमिंग था ब्रेकफास्ट का उसका, और हमें ब्रेकफास्ट में मिला ब्रेड बटर एंड जैम। और आपको अगर और एडिशनल कुछ चाहिए तो ऑलवेज़ यू कैन ऑर्डर, जो हमने ऑमलेट और उपमा ऑर्डर किया था विच वॉज वेरी गुड, इवन पोहा भी ऑर्डर विच वॉज रियली ग्रेट, और यहाँ का लोकल टेस्ट में लोकल लोगों ने बना था तो इट वॉज़ रियली टेस्टिंग ग्रेट। सो अब हमारा अगला स्टॉप होगा लादगर बीच, यहाँ से चेकआउट करके हम निकल रहे हैं, तो लादगर बीच में मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है लादगर बीच, बिकॉज ऑफ दिस वेदर, बिकॉज ऑफ रफ वेदर और रफ सी के वजह से ये पूरा हाई टाइड चल रहा है, वरना एक्चुअली बीच बहुत अंदर है और बहुत एंजॉय करने को मिलता है, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सी एंड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस बस हमें ये इतना ही बीच मिला है। एंड देर वॉज नॉट मच रश, क्योंकि बीच का मज़ा लेने के लिए कुछ है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये बीच में जो आपका डिप्रेशन आया, इस वजह से हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे, बट हमारा लड़का उस छोटे से बीच में भी माउंटेन्स और सैंड के साथ खेल के ही इज़ हैप्पी, इफ ही इज़ हैप्पी वी आर ऑल्सो हैप्पी। सो यहाँ से भी हम थोड़ी देर में निकल लेंगे और अगले बीच में अगर चांस मिलता है मुरुड़ बीच में भी ट्राई, अगर नहीं मिलता तो सीधा हम आपको लंच में मिलेंगे। तो सीधा हम मुरुड़ बीच के लिए निकल गए, पर मुरुड़ बीच से हम निकलते हुए ये रोड है, इट वाज वेरी रफ एंड हम कुछ भी नहीं कर पाए। सो फाइनली हमने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया ओम साई, जो सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे जाके हमने सोचा हम अपना लंच कर लेंगे और यहाँ से सीधा हम घर निकल लेंगे। सो ओम साई इज़ फेमस फॉर दी नॉन वेज थालीज दैट डे ऑफर, यहाँ पे आपको फिश थाली, क्रैब थाली, मटन थाली, चिकन थाली सब मिलता है, और हमने ऑर्डर किया है एक पॉम्फ्रेट थाली, एक दो चिकन थाली, एक सुरमई थाली और बोम्बिल ऑयल फ्राई फिश। सो और सारे के सारे थालियाँ लाजवाब बनाए हुए थे और एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा था। इसी के साथ जो हमने जो बोम्बिल फ्राई और सुरमई फ्राई अलग सा मंगाया था वो भी एकदम लाजवाब बनाया हुआ था, कि ऐसा कोई भी डिश नहीं था तो हमको पसंद ना आया हो। और हम यहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया है, ये है हमारा बिल, अब सीधा यहाँ से गाड़ी निकलेगी और रुकेगी मेरे घर पे। सो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा दापोली ट्रिप। बेसिकली ये हमारा ट्रैवल व्लॉग था 2 एपिसोड वाला, जिसमें पहला एपिसोड अगर आपने मिस किया है निर्वाणा इको रिजॉर्ट जो पंचगनी में है तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये हमारा दापोली नेक्स्ट डे वाला ट्रिप था, जो दोनों हमारा अमेजिंग ट्रिप रहा, फैबुलस रहा, बी इट एम्बियंस हो, वहाँ का वेदर हो, वहाँ के लोग हो, खाना हो, डेस्टिनेशंस हो, सभी एकदम ज़बरदस्त रहे। अगर आपको कोई क्वेरी है इस मामले में दोनों व्लॉग्स में तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज एक बार दबा के छोड़ दीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो ये सबसे बड़ा क्राइम है, प्लीज
दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल, और जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स टाटा। बाय बाय। जय हिंद।